नमस्कार, मैं रितेश कुमार। आज हम देखने के लिए सोनालिका DI-745 थर्ड DLX पावर प्लस, जो कि एक 50 HP कैटेगरी का ट्रैक्टर है। आगे वीडियो में हम इसके पावर फिगर, गियर बॉक्स, PTO, एक्सल, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इंडिया ट्रैक्टर टेक के साथ। इसमें ऑयल बार टाइप एयर फिल्टर देखने को मिल जाता है, जो कि प्री क्लीनर के साथ में आता है। और इसके बॉनेट को ओपन करने के लिए पहले आपको इस प्री क्लीनर को निकालना पड़ेगा। और इसका जो बॉनेट है यहाँ से ओपन होता है, जो कि लॉक के साथ में दिया गया, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और ये फ्रंट ग्रिल को देख सकते हैं, कुछ इस तरह से नीट एंड क्लीन डिजाइन किया हुआ है। यहाँ पर आप इसके बड़े साइज के हेलोजन हेडलैम्प को देख सकते हैं, जिसमें रिम स्टाइल में LED लाइट्स दिए हुए हैं, जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते हैं। और इसमें कुछ इस तरह से आपको फ्रंट बम्पर देखने को मिल जाएगा। और इसका जो मेटल का यूनिट है, इसमें भी मल्टीपल होल्स दिए गए हैं। और सामने में आपको हिचिंग पॉइंट देखने को भी मिल जाता है। और ये सोनालिका का बैचिंग दिया गया है। इसमें कूलेंट रिजर्वायर के साथ वाटर कूलिंग देखने को मिल जाएगा। और इसके जो रेडिएटर का फैन है, ये प्लास्टिक का दिया गया है। और दूसरे साइड से आप इसके हीट गार्ड को देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं इसके इंजन से। इसमें 2893 cc का 3-सिलेंडर नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन दिया हुआ है, जो कि इनलाइन फ्यूल पंप के साथ में आता है। और इस प्रकार का जो पंप होता है, बिल्कुल ही मेंटेनेंस फ्री होता है। इंजन से निकलने वाले हीट को ड्राइवर तक कम से कम पहुंचे, उसके लिए ये मेटल का फ्रेम लगाकर दिया गया है। और पंप के लाइफ को बढ़ाने के लिए इसमें वाटर सेपरेटर भी मिल जाएगा। इसका बैटरी बॉक्स आपको राइट साइड में मिल जाता है। ये रहा इसका अल्टरनेटर। इसी साइड में ही स्टार्टर मोटर भी दिया गया है, जो कि फाइबर के प्रोटेक्शन के साथ में आता है। ये रहा इसका एग्जॉस्ट पाइप। और इसका जो मफलर है बाहर में दिया गया है। और इसका साइलेंसर कुछ इस तरह से दिखाई देता है। बात करें इसके पावर फिगर का, तो यह ट्रैक्टर 50 HP का पावर, 1900 रेटेड RPM पर और लगभग 205 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। टॉर्क को आसान शब्द में समझे तो जिस ट्रैक्टर में जितना अधिक टॉर्क होता है, वह किसी लोड को उतनी आसानी से खींच सकता है। अगर आप में से किन्हीं किसान भाइयों के पास यह ट्रैक्टर पहले से है, तो आप हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। और आपने न्यू परचेस करने का सोचा है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बात करें इसके फ्यूल टैंक का, तो इसमें 55 लीटर का मेटल का डीजल टैंक दिया हुआ है, जो कि आता है वाटर सेपरेटर और सुपर डीजल फिल्टर के साथ में। बात करें इसके स्टीयरिंग का, तो इसमें सेपरेट ऑयल कंटेनर के साथ में सिंगल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग दिया हुआ है। और यहाँ से आप इसके स्टीयरिंग के हाइड्रोलिक जैक को देख सकते हैं। और इस सब पाइपलाइन कुछ इस तरह से सेफ्टी के साथ में लाया गया है। ये रॉड देख सकते हैं। और इसका स्पिंडल स्क्वायर शेप में दिया हुआ है, जिससे इसका स्लिपेज होने का चांस ना के बराबर हो जाता है। और स्टीयरिंग के लिए सेपरेट ऑयल कंटेनर देने से यह फायदा होता है कि इसके अंदर डस्ट पार्टिकल्स जल्दी से नहीं आते हैं, जिससे ये सभी पाइपलाइन में कभी भी कोई भी कटफट नहीं होते हैं। और आपका स्टीयरिंग लंबे समय तक नए के नए जैसा ही काम करते रहता है। इसमें स्टीयरिंग और हाइड्रोलिक के लिए सेपरेट पंप दी हुई, जो कि गियर के माध्यम से ऑपरेट होते हैं। और इस प्रकार के पंप जो होते हैं, वो बिल्कुल ही मेंटेनेंस फ्री होते हैं। और यहाँ पर आप इसके हाइड्रोलिक के लिए आए पाइपलाइन को देख सकते हैं, जो कि हाइड्रोलिक ऑयल फिल्टर से होकर गुजरता है। और पीछे में आपको मैग्नेटिक टाइप का ऑयल फिल्टर भी दिया गया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और ये सब ब्रेक का अरेंजमेंट कुछ इस तरह से है। ये रहा इंजन ऑयल फिल्टर। लेफ्ट साइड में मेटल का टूलबॉक्स देने को मिल जाता है। इसका व्हील बेस लगभग 2100 mm का दिया गया है। और इसका टोटल वेट लगभग 2200 kg का है। और यहाँ से आप पूरा इसके नीचे का अरेंजमेंट को देख सकते हैं। इसमें जो ब्रेक प्लेट है, ये साइड में दिया गया है। और ये नीचे का बनावट कुछ इस तरह से डिजाइन किया हुआ है। इसमें आपको 395 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाता है। इसके प्लेटफॉर्म पर चढ़ने के लिए सिंगल फुट स्टेप दिया हुआ है। और यहाँ पर ग्रैब हैंडल देखने को मिल जाता है। ये डुअल क्लच का स्टिकर और ये कुछ इस तरह से LED लाइट दिया गया है। और इन सब की मदद से इसमें आप बड़े आसानी से चढ़ और उतर सकते हैं। यहाँ से आप इसके पूरे डैशबोर्ड सहित फुल प्लेटफॉर्म और फेंडर के लुक को देख सकते हैं। इसमें कॉम्पैक्ट साइज में स्टीयरिंग व्हील दिया हुआ है। और यहाँ पर इजी स्टीयरिंग का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि कंपनी फिटेड ही मिल जाएगा। ये रहा इसका डैशबोर्ड। इसमें फ्यूल गेज, ऑयल प्रेशर मीटर, टेकोमीटर और ये आवर मीटर दिखाएगा डिजिटल टाइप में, टेम्परेचर मीटर और बैटरी, सभी चीज़ों का इंडिकेशन दिया गया है। ये रहा हैंड थ्रॉटल लीवर, कॉम्बिनेशन टाइप का स्विच देखने को मिल जाएगा। इसी में हॉर्न का बटन भी मिल जाता है, इग्निशन की, पार्किंग लाइट्स को ऑन ऑफ करने के लिए और इसके LED लाइट्स को ऑन ऑफ करने के लिए, और ये इंजन स्टॉप करने के लिए। राइट फेंडर को देख पा रहे होंगे, इसमें बड़े साइज में फेंडर ग्रिल दिया गया है। और नीचे में पोजीशन कंट्रोल और ड्राफ्ट कंट्रोल दोनों लीवर देखने को मिल जाता है, जो कि काफी अच्छे तरीके से डिजाइन किया हुआ है और बिल्कुल ही आपके पहुंच में बनाया गया है। और यहाँ पे ये पैकिंग को भी देख सकते हैं, जिसे सोनालिका ने काफी खूबसूरत तरीके से पैक किया हुआ है। और नीचे में हमें ब्रेक लॉक करने के लिए लीवर देखने को मिल जाता है। और ये रहा इसका PTO लीवर। इसमें 540 स्टैंडर्ड और रिवर्स PTO का ऑप्शन मिल जाता है। इसमें लगभग फ्लैट प्लेटफॉर्म देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी आरामदायक है बाकी अन्य सोनालिका ट्रैक्टरों की तरह ही। और इसमें डुअल क्लच दिया गया, इसका मतलब हाफ प्रेस करने पर यह ट्रांसमिशन के लिए काम करता है और फुल प्रेस करने पर PTO के लिए काम करेगा। और इसमें ऑयली मच ब्रेक देखने को मिल जाता है। और ये रहा इसका एक्सेलरेटर पैदल, जो कि काफ़ी स्मूथ है। इसमें कॉन्स्टेंट मेश टाइप गियर बॉक्स यूज़ किया हुआ, जो कि आता है 1, 2, 3, 4 रिवर्स और हाई लो के साथ। इसका मतलब इसमें 8 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स गियर दिया गया है। और इन सभी लीवर का जो पोजीशन है, बिल्कुल ही सही जगह पर दिया गया है, जिससे आप बड़े आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं। ये रहा इसका ड्राइवर सीट। ये लीवर मदद से इसे आप आगे पीछे कर सकते हैं। और नॉब दिख रहा होगा, इसकी मदद से आप इसके ट्रांसपोर्ट लॉक कर पाएंगे। और ये प्लेटफॉर्म को देख सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से डिजाइन
किया हुआ है। इसमें लगभग 33 किलोमीटर पर आवर की मैक्सिमम फॉरवर्ड स्पीड देखने को मिल जाता है। इसकी मदद से आप इसे ढुलाई जैसे कामों के लिए भी बड़े आसानी से उपयोग में ले सकते हैं। पीछे का व्यू कुछ इस प्रकार से है। इसमें LED लाइट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर रिवर्स PTO का स्टिकर दिया गया है। कुछ इतना फेंडर गैप मिल जाता है और इसके फेंडर को सपोर्ट करने के लिए अंदर में बीम लगा के दिया गया है और इसका फेंडर का लुक कुछ इस तरह से आता है। और इसके लुक को इन्हेंस करने के लिए इसमें क्रोम ट्रीटमेंट टाइप से ये अलग से लगाया गया है। ये रहा इसका प्लाव लैंप, इसको आप यहीं से ऑन ऑफ कर सकते हैं। नंबर प्लेट के भी लाइट दिया गया है। वाइब्रेशन कंट्रोल करने के लिए वाइब्रेशन कंट्रोल रॉड मिल जाता है। सीट के पीछे में नॉब दिया गया, इससे सीट को आप वेट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर पाएंगे। ये रहा बोतल होल्डर, रिफ्लेक्टर, 7-पिन सॉकेट। इसमें कंपनी फिटेड डबल ऑक्सिलरी रॉड देखने को मिल जाता है जो कि QRC कपलर के साथ में आता है और इसको ऑपरेट करने के लिए लीवर मिल जाएगा। बात करें इसकी लिफ्टिंग कैपेसिटी का, तो इसमें 1800 kg की मैक्सिमम लिफ्टिंग कैपेसिटी दी हुई है। ये रहा इसका लोअर लिंक आर्म। इसमें बॉक्स शेप में स्टेबलाइजर बार देखने को मिल जाएगा और इस साइड के आर्म को देख सकते हैं, इसमें भी ग्रीसिंग पॉइंट दिए गए हैं। और ये रहा इसका एडजस्टेबल आर्म, इसमें भी ग्रीसिंग पॉइंट मिल जाएगा। इसमें 3-पॉइंट सेंसिंग के साथ में ऑटोमेटिक डेप्थ एंड ड्राफ्ट कंट्रोल सेंसर दिया गया है। ये रहा इसका टॉप लिंक और इस टॉप लिंक को टो करने के लिए टो पॉइंट मिल जाता है। इसमें मल्टीपल होल्स के साथ में एडजस्टेबल टाइप हिचिंग पॉइंट मिल जाएगा, इसको आप अपने जरूरत के हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं। और 3-पॉइंट होने से यह फायदा होता है कि आप अपने मिट्टी के अनुसार सही सेंसिंग पॉइंट का चुनाव बड़े आसानी से कर सकते हैं। और सॉफ्ट मिट्टी में हल चलाने के लिए टॉप लिंक को ऊपर लगा और उससे हार्ड मिट्टी के लिए बीच वाले में और सबसे अधिक हार्ड मिट्टी के लिए नीचे में लगाना चाहिए। और इम्प्लीमेंट को रोड पर लाते लाते समय भी टॉप लिंक को ये नीचे वाले में लगा, इससे जो सेंसर है इसकी सेंसिटिविटी लंबे समय तक बरकरार रहती है। इसमें डबल रिडक्शन टेक्नोलॉजी के साथ में स्ट्रेट टाइप का रियर एक्सल दिया गया है। लेफ्ट हैंडर में लेबलिंग प्लेट देखने को मिल जाता है। यहाँ से आप मॉडल नेम देख सकते हैं और इसमें मैक्सिमम PTO पावर 44.4 HP का बताया गया है और ये SFC भी दिया गया है। इसमें 44.4 HP का 6-6 plant PTO देखने को मिल जाता है जो कि आता है 540 स्टैंडर्ड और रिवर्स PTO स्पीड के साथ में। और रिवर्स PTO होने से यहाँ फायदा होता है कि मान लो थ्रेसर में कभी कुछ कचड़े वगैरह फंस गए या फसल भी कभी कभी फंस जाता है तो उसे निकालने में बहुत ही आसानी होता है। तो चलिए स्टार्ट करके आपको इसका आवाज सुनाते हैं और इसके स्टीयरिंग रिस्पॉन्स भी देखते हैं। तो इतना कुछ स्पेसिफिकेशन और फीचर देने को मिल जाता है आपको सोनालिका DI 745 3rd में। अगर आपके मन में इस ट्रैक्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट या कुछ क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसे जवाब देने का पूरा कोशिश करेंगे। तो चलिए आते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।